ये है मंदिर और मैं इसके पीछे हूँ। कारीगरी की गई है, आप देख सकते हैं। कमाल की। और ये बता दी, ये 1972 1972 में बना है। वाह। हेलो गाइस, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और मैं हूँ अभी फ़िलहाल रेणुकूट में, और आपने वीडियो देखी होगी। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ, पास में ही मंदिर है तो यहाँ पे मेरे दोस्त मिले थे, वो मुझे ले जा रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं, 200 या 300 मीटर के आसपास ही है। तो फिलहाल हम पैदल जा रहे हैं और ये मैं होटल से निकल रहा हूँ, और शाम के बज रहे हैं 7:30। और ये होटल से बाहर में आ गया, और ये देखिए रेणुकूट शाम का समय। होटल से 200-300 मीटर की दूरी पे है रेणुकेश्वर मंदिर, वहीं पे जाना है हमको। और जो फ्रेंड्स मिले थे हमको यहाँ पे, वो हमारा वेट कर रहे हैं। ये है, यहाँ से थोड़ा चढ़ान है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, पैदल आदमी चल के जा सकता है। देख सकते हैं श्री रेणुकेश्वर महादेव रेणुकूट। ये दोनों लोग, भाई लोग मिल गए हमको, शुभम और इधर धनंजय। तो ये है चप्पल स्टोर, यहाँ पे चप्पल रखना है, हमने चप्पल रख दिया है। और बढ़ते हैं मंदिर साइड। ये है फाउंटेन, कलरफुल फाउंटेन, रसगुल्ला फाउंटेन जिसे कह सकते हैं। ये पास से दिखा रहा, वाह। अबे भैया आगे तो पानी, और ये देख सकते हैं चारों तरफ फाउंटेन लगे हुए हैं। तो मंदिर का क्लोजिंग टाइम हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं गार्ड लगातार विसल बजा रहा है कि बाहर निकलिए बाहर निकलिए। तो लाइटिंग का जो था सीन वो नहीं हो पाया, क्योंकि मंदिर बंद होने को आया, हम लोग आने में काफ़ी लेट कर दिए। अगर जल्दी आए होते तो काफ़ी अच्छा कुछ देखने को मिलता। तो देखते हैं और कितना एक्सप्लोर होता है। गुड मॉर्निंग, और अभी हम हैं रेणुकूट में, और ये दूसरा दिन हमारा। तो कल जो मंदिर गए थे रेणुकेश्वर मंदिर, वहाँ पर दर्शन हो नहीं पाया था क्योंकि मंदिर हो गया था क्लोज, और रात में लाइटिंग जो थी वो भी ऑफ कर दी गई थी। तो अभी हम फिर से जाते हैं और वहाँ का नज़ारा लेते हैं, क्योंकि अच्छे से वो हम दर्शन कर नहीं पाए थे। और ये देख सकते हैं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड यहाँ पर, और अभी हम जा रहे हैं रेणुकेश्वर मंदिर, जो है यहाँ पे काफ़ी फेमस, और जो बिरला जी ने बनवाया था। और तो उसके पास जाते हैं और दिखाते हैं आपको नज़ारा, काफ़ी फेमस है यहाँ पे रेणुकूट में। तो ये जो इंडस्ट्रीज का है उसके जस्ट सामने से ही रास्ता गया, इधर इधर से जाना है, ज़्यादा नहीं थोड़ी दूरी पे है, 300 या 400 मीटर के आसपास। तो पहुँच के मिलते हैं हम आपको। तो यहाँ के रोड आप देख सकते हैं, थोड़ा ढलान है, थोड़ी चढ़ान है, तो ऐसा ही है यहाँ पर रोड। और अभी आगे ये पड़ रहा है हिंडाल्को शॉपिंग मॉल, जो आई थिंक फ़िलहाल अभी बंद है। तो अभी हम आ गए हैं हिंडाल्को शॉपिंग मॉल, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है।
और ये फ़िलहाल अभी क्लोज लग रहा है, नीचे की कुछ दुकानें बस खुली हैं, बाकी ये बंद है। तो ये मंदिर जाने से कुछ देर पहले पड़ता है, कुछ डिस्टेंस पहले ही आप देख सकते हैं हिंडाल्को सुपर बाजार। और अभी हम खड़े हैं मंदिर से थोड़ी देर पहले, और आप ये देख सकते हैं नज़ारा इधर से इधर। ये पूरी कॉलोनी हिंडाल्को कॉलोनी है, और इसको डिज़ाइन किया गया पहले डिज़ाइन किया गया, फिर ये पूरी कॉलोनी बनाई गई है। और लगभग यहाँ पे सभी मकान डिट्टो सेम टू सेम है, एक जैसे एकदम पूरे मकान, किसी भी साइड से आप देखें, क्योंकि ये यहाँ पे जो ज़मीन है वो समतल नहीं है, सरफेस यहाँ के समतल नहीं है। आप यहीं पे देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर चढ़ना है, यहाँ से भी ऊपर चढ़ना है, और यहाँ से फिर नीचे ढलान है। तो इसके वजह से इसको पूरी अच्छे से डिज़ाइन की गई है और काफ़ी सुंदर बनाया गया है। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, ये हिंडाल्को कॉलोनी जो है, और यहाँ पे लिखा है मंदिर जाने का रास्ता। तो बस यहाँ से थोड़ा दूर ऊपर चढ़ना है हल्का सा, आप देख सकते हैं, उसके बाद से आ जाएगा हमारा मंदिर, जो काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। और ये 1972 में बना था, और इसकी जो कटाई की गई है वो काबिले तारीफ़ है, उसको हम पहुंच के एक्सप्लोर करते हैं। तो बस कुछ देर में हम पहुंचने वाले हैं। ये मंदिर के जस्ट सामने खड़े हैं, और ये बन रहा है हिंडाल्को हॉस्पिटल, आप देख सकते हैं यहाँ पे काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, और यहाँ से जाना है हमें मंदिर की तरफ। मंदिर क्लोज हो गया क्या? मंदिर बंद हो गया क्या? बंद नहीं हुआ ना अभी। तो मंदिर की टाइमिंग है, सुबह में 10 बजे के अप्रॉक्स बंद हो जाता है, और रात में लगभग 8-8:30 बजे के आसपास। तो अभी 10 तो नहीं बजे हैं, गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, तो आई थिंक मंदिर खुला हुआ है। चलते हैं, दिखाते हैं आपको नज़ारा अंदर से। यह है गेट, और यहाँ से लेना है हमें एंट्री। तो ये है कुछ नज़ारा। से अभी हमें ऊपर जाना है, और मंदिर क्लोज होने वाला है 10 से 15 मिनट में, तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं आगे। और देख सकते हैं आप मंदिर में अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है। तो ये है मंदिर का रास्ता जाने के लिए, और ये है शंकर भगवान का मंदिर। जय भोलेनाथ। यहाँ से जाएंगे हम लोग ऊपर, और ये यहाँ पे पूरा गार्डनिंग की गई है, आप यहाँ बैठ सकते हैं आराम से ऊपर। तो फाइनली हम मंदिर पे पहुँच गए हैं, और ये देखिए सामने कितना खूबसूरत बनाया गया है। ये आगे छोटा है, उसके पीछे बड़ा है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। ये हम मंदिर के गेट के ऊपर देख सकते हैं कितना खूबसूरत बनाया गया है इसको, एकदम अद्भुत जिसको कह सकते हैं। और पूरा मंदिर एकदम ऐसे यहाँ से आते सकते नीचे। और इधर आएंगे, एक प्रतिमा लगाई गई है, मैं दिखाता हूँ किसकी है सामने से। लेट आदित्य विक्रम बिरला जी, ये उनकी प्रतिमा है। और यहीं से लेफ्ट में अगर चलेंगे आप, तो यहाँ पर एक और है जीडी बिरला जी, ये आप देख सकते हैं। ये है मंदिर के राइट साइड में, ये मंदिर और मंदिर के राइट साइड में। अब हम बढ़ेंगे मंदिर के तरफ,
मंदिर की टाइमिंग बता दें, सुबह 5 से 10 बजे खुलता है, जब पंडित जी आते हैं तभी खुलता है क्योंकि प्राइवेट के हाथों में, और शाम के 4 बजे से लेकर 9 बजे तक ही खुलता है। तो ये है टाइमिंग, तो अगर आप आते हैं तो ये इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, अदरवाइज़ आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। और ये आप देख सकते हैं, मैं मंदिर के जस्ट पीछे खड़ा हूँ, ये है मंदिर और मैं इसके पीछे हूँ। आप देख सकते हैं, मैं पास से दिखाता हूँ कि इस पे जो कारीगरी की गई है आप देख सकते हैं, कमाल की। और ये बता दें, ये 1972 में बना है। वाह, ये पूरा ऊपर तक है और सभी साइड से लगभग एक जैसा। और ये देखिए, आई थिंक यहाँ से पानी आता है और यहाँ नीचे गिरता है। वाह, और अभी हम मंदिर के एकदम कॉर्नर साइड पे, इधर से एंट्री थी और ये है मंदिर, और इसके जस्ट पीछे दिखाते हैं आपको रेणुकूट। और ये जो है, ये एरिया है हिंडाल्को कॉलोनी, जो लगभग सिमिलर, एकदम सेम टू सेम बनाया गया है। आप देख सकते हैं सेम कलर, सब कुछ सेम वहाँ तक पूरा। और उधर है रिहान डैम। ये क्या चीज़ है भैया? एयर पॉल्यूशन को मापने की मशीन है। अच्छा, इसे हवा में जो भी पॉल्यूशन है, मात्रा है, उसको रीड करती है। और ये भारत सरकार के द्वारा लगाई गई है, और इसको रीड करने के लिए लखनऊ से आते हैं। लखनऊ से ही आते हैं। तो इससे मंदिर पे कितना प्रभाव पड़ जाता है? मंदिर पे कोई प्रभाव नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र है। सामने आप देख रहे हो, वहाँ एक और प्लांट है, केमिकल प्लांट है। अच्छा, वो दिख रही है, हल्का हल्का दिख रहा है। इधर अपना एक हिंडाल्को है, हिंडाल्को है, इस साइड में हाईटेक है। पॉल्यूशन की वजह ज़्यादा प्लांट है, इसको इस पॉल्यूशन होता होगा, उसको मापने के लिए बनाया गया। लेकिन मापा जा रहा है कि यहाँ रहने वाले लोगों के क्या प्रभाव पड़े। चलिए, धन्यवाद। कुछ ऐसा होता है तो वो डाटा कलेक्ट करके लेके जाते हैं, कार्रवाई भी। चलिए, धन्यवाद। तो अभी आप देख सकते हैं मंदिर के जस्ट बाहर खड़े हैं और 10 बज गए हैं, इसलिए मंदिर का कपाट बंद हो गया है। तो अभी आप देख सकते हैं, हम बाहर से ही बना रहे हैं वीडियो, अंदर नहीं जा सकते। और आप देख सकते हैं इसकी नक्काशी, अद्भुत। गजब। पहले के ज़माने में तो हुआ करता था, लेकिन अब ये 1972 की बात करें तो ये काबिले तारीफ है एकदम। इधर से भी एक गेट है जो फिलहाल बंद हो चुका है, हम देख सकते हैं। तो यहाँ से अभी उतर रहे हम नीचे, और ये सामने ही शिव मंदिर, शिवलिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे पूजा होता रहता है, आप देख सकते हैं। अर्थम श्री सांब सदा शिवस्य चरणौ भक्ति ही। फाइनली मंदिर का दर्शन हो गया है, हम उतरते हैं नीचे और बढ़ते हैं अपने होटल की तरफ, क्योंकि आगे अभी और हमें जाना है। और ये 7 घोड़े हैं यहाँ पर, 7 घोड़े हैं। तो और यहाँ पे हमने जमा किया था अपना चप्पल, यहाँ से चप्पल लेंगे फिर निकलते हैं नीचे। तो इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।